अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू जॉदी टीवी। दोस्तों आजकल की हमारी सोसाइटी में तकरीबन हर इंसान नौकरी कर रहा है। कोई इंसान अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा है तो कोई इंसान मैनेजर की नौकरी कर रहा है, कोई डॉक्टर है। दोस्तों ये नौकरियां ऐसी हैं जिसके बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद ऐसी नौकरियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों जापान के शहर टोक्यो की आबादी तकरीबन 14 मिलियन है। अगर आप इसको किसी और शहर से कंपेयर करें तो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में 9 मिलियन आबादी है और लॉस एंजलिस में 4 मिलियन। दोस्तों 14 मिलियन आबादी के इस शहर में लोग रोजाना अपने कामों से निकलते हैं और लोग ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो मेट्रो स्टेशन से अपना सफर तय करें क्योंकि इनको ये आसान लगता है। लेकिन जब वर्किंग आवर्स पे यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे रश लगता है तो वो दोस्तों देखने के लायक होता है। ये रश इतना ज्यादा होता है कि आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का स्टाफ नजर ही नहीं आता, क्योंकि लोग इतनी तादाद में जमा हो जाते हैं ट्रेन में सफर करने के लिए कि स्टाफ उन लोगों को सही से डील नहीं कर पाता। दोस्तों कहा यह भी जाता है ये ट्रेन बहुत ज्यादा ओवरलोड हो जाती है। ये खबरें देखने के बाद जापान की हुकूमत ने एक बड़ा अजीब फैसला किया। दोस्तों जापान की हुकूमत ने एक नौकरी ईजाद की। इस नौकरी का नाम प्रोफेशनल पुशर्स रखा गया था। दरअसल इस नौकरी का असल मकसद ये होता था कि प्रोफेशनल पुशर्स जब पब्लिक ट्रेन में जा रही होती थी तो ये इन पब्लिक को धक्का दे के जबरदस्ती ट्रेन के अंदर करते थे, और ये जब तक धक्का देते थे पैसेंजर्स को जब तक वो पैसेंजर ट्रेन के अंदर नहीं जा सकते थे। ये प्रोफेशनल पुशर बाकायदा कोट पैंट ग्लव्स और हैट पहन के एक अच्छी ड्रेसिंग में अपनी ड्यूटी करने आते हैं। इनका काम ये होता है जब ट्रेन अपने स्टेशन पे आ जाती है तो ये पहले पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर जाने देते हैं, लेकिन जो पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर नहीं आ सकते उनको ये जबरदस्ती पुश करके ट्रेन के अंदर भेजते हैं। ये बात जान के आप हैरान होंगे कि पैसेंजर्स इन पुशर्स को पुश करने से मना नहीं कर सकते। जब तक पैसेंजर इस ट्रेन के अंदर नहीं जाएगा तब तक पुशर पैसेंजर को धक्का देता रहेगा। शुरू शुरू में ये नौकरी पार्ट टाइम के लिए दी गई, मगर देखते ही देखते अब इस नौकरी को बाकायदा एक प्रोफेशन के तौर पे भी लोग लेते हैं और अब इस नौकरी का बाकायदा एक्सपीरियंस भी माना जाता है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसी नौकरी मिले कि आपको सोफे पे बैठ के सिर्फ आराम करना है और आपको उसकी सिर्फ सैलरी मिले तो आपको कैसा लगेगा? यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों दुनिया में एक ऐसी नौकरी भी है जिसको फर्नीचर टेस्टर बोलते हैं। ये नौकरी आजकल बड़ी मकबूल होती जा रही है। दरअसल इस नौकरी में होता यह है कि एक इंसान को सिर्फ फर्नीचर टेस्ट करने के पैसे मिलते हैं। फर्नीचर बनने के बाद इस आदमी को फर्नीचर टेस्ट करना होता है। अब वो भले इस फर्नीचर पे सोए लेटे या छलांगे लगाए वो इसका काम है। इसको अपने मैनेजर को बताना होता है कि ये फर्नीचर सही है या इसमें कोई मसला है। जब कंपनी ये फर्नीचर बनाती है उसके बाद ये फर्नीचर टेस्टर इस फर्नीचर को चेक करता है और अप्रूवल देता है कि ये फर्नीचर सही है, तभी ये फर्नीचर शोरूम में जाता है। अगर इस फर्नीचर में कोई मसला होता है तो ये फर्नीचर शोरूम में नहीं जाता। और अब बहुत सी कंपनीज बाकायदा फर्नीचर टेस्टर्स अपने साथ रखने लग गई हैं और इसकी तनख्वाह भी काफी अच्छी होती है। दोस्तों वैसे अगर किसी के घर में फौतगी हो जाए उस इंसान के दोस्त रिश्तेदार उसके गम में बराबर के शरीक होते हैं, लेकिन दोस्तों अब एक ऐसी नौकरी भी आ गई है जिसमें आपको किराए के लोग मिलते हैं जो आपके घर में फौतगी में आन के रोते हैं। दोस्तों इन लोगों को प्रोफेशनल मॉनर्स कहते हैं और बाकायदा इनकी अब एजेंसी दुनिया में मौजूद है। आप इन लोगों से रابطہ करते हैं और आप इनको बोलते हैं कि आपको इतने लोगों की जरूरत है। ये लोग आपसे कुछ पैसे लेते हैं और ये अपनी टीम को आपके घर पे भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों हैरान कन बात ये है कि लोग पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये प्रोफेशनल मॉनर्स हैं, क्योंकि ये ऐसे रोते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद ये आपके कोई करीबी रिश्तेदार हैं। दोस्तों प्रोफेशनल मॉनर्स की हिस्ट्री दरअसल चीन से है। कहा यह जाता है कि इसका ताल्लुक चीन के वहां खानदान से है, क्योंकि जब उनके किसी की फौतगी होती थी तो वो लोगों को पैसे देते थे कि वो इनके गम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें, और इस पैसों की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा इनके गम में शरीक होते थे। लेकिन दोस्तों उसके बाद कहा यह जाता है कि इस नौकरी पे चीन में कुछ साल बाद पाबंदी लग गई थी, लेकिन फिर चंद साल गुजरने के बाद चीन में इस नौकरी को बाकायदा तौर पे बहाल किया गया और अब पूरी दुनिया में
प्रोफेशनल मॉनर्स मौजूद हैं। और कहा यह जाता है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका और बर्तानिया में प्रोफेशनल मॉनर्स पाए जाते हैं और इनका कारोबार वहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया में एक ऐसी जॉब भी है जिसमें इंसान को सिर्फ वाटर स्लाइड करने के पैसे मिलते हैं, तो शायद आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये सच है। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जॉब भी है जिसे वाटर स्लाइड टेस्टर कहते हैं। दोस्तों, इस नौकरी में होता यह है कि एक इंसान को वाटर स्लाइड चेक करनी होती है कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, और अगर इसमें कोई मसला है तो उसको उस होटल की इंतजामिया को बताना होता है कि इस स्लाइड में ये मसला है, और इसको फिर उसके बदले अच्छे पैसे मिलते हैं। दोस्तों, दरअसल ये नौकरी होटल्स में होती है, क्योंकि होटल्स मालिकान अपने कस्टमर्स को स्लाइड पे जाने से पहले बाकायदा स्लाइड टेस्टर से स्लाइड चेक करवाते हैं। अगर उनकी स्लाइड में कोई मसला होता है तो वो अपने कस्टमर्स को उस स्लाइड्स पे जाने नहीं देते। दोस्तों, ये एक पार्ट टाइम नौकरी है जिसको स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनको इस जॉब में मजा भी आता है और इनको इनके मतलब के पैसे भी मिल जाते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च से मालूम ये हुआ है कि इस नौकरी के एक स्टूडेंट को तकरीबन $14 पर आवर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जो काफी अच्छे हैं। इसलिए स्टूडेंट्स इस जॉब को पाने के लिए बहुत कोशिशें भी करते हैं। दोस्तों, आजकल दुनिया में एक और जॉब बहुत मशहूर है जिसमें इंसान आराम से सोता रहता है और उसको उसके बदले सैलरी मिलती रहती है। इनको दरअसल प्रोफेशनल स्लीपर्स कहते हैं। दोस्तों, ये जॉब दरअसल साइंटिस्ट के लिए होती है, क्योंकि जब इंसान सो रहा होता है तो साइंटिस्ट उसके साथ बहुत से एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जागते इंसान के साथ करना बहुत मुश्किल होते हैं, और ये जॉब निकाले भी साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना होता है बगैर जॉब के आप किसी इंसान को ऐसे सोने का बोलेंगे तो वो हरगिज राजी नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने बाकायदा प्रोफेशनल स्लीपर्स की जॉब इजाद की, और लोगों ने इस जॉब को काफी पसंद भी किया, क्योंकि कहा यह जाता है एक प्रोफेशनल स्लीपर तकरीबन 10 से 11 घंटे सोता रहता है, और इसी दौरान साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और उसके बदले उनको काफी अच्छे पैसे भी देते हैं, और ये नौकरी अब पूरी दुनिया में काफी मशहूर भी हो चुकी है। दोस्तों, मैं आपको एक और यूनिक जॉब के बारे में बताने वाला हूँ जिसको प्रोफेशनल लाइट सेटर्स कहते हैं। दोस्तों, ये जॉब उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा मसरूफ होते हैं और वो किसी लाइन में लगना नहीं चाहते। दरअसल ये अपने लाइन सेटर से रब्ता करते हैं और उनको कहते हैं फला जगह की लाइन में लग जाएं और उनका वो काम कर दें। दोस्तों, ये लाइन सेटर उनके कहने के मुताबिक उनकी जगह पे जाके लग जाते हैं और उनकी बारी का इंतजार करते हैं और उनका वो काम करके उनको इत्तला कर देते हैं। कहा यह जाता है कि ज्यादातर लाइन सेटर्स का काम किसी भी सिनेमा के बाहर टिकट के लिए लाइन में लगना होता है, क्योंकि ये अपने कस्टमर के टिकट के लिए लाइन में लगते हैं। और कहा यह भी जाता है कि ये लाइन सेटर्स किसी भी मॉल की भी लाइन में लगते हैं, क्योंकि जो इनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है ये उसको पूरा करते हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक इन लाइन सेटर्स की तनख्वाह काफी अच्छी होती है, क्योंकि ये एक घंटे के $20 चार्ज करते हैं, और अगर इनको आधा घंटा और पर मांगेंगे तो ये उसके $10 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये कहा जाता है कि एक लाइन सेटर एक हफ्ते में तकरीबन $1,000 तक कमा लेता है, और ये रकम काफी अच्छी है। और दोस्तों, आखिर में मैं आपको प्रोफेशनल गेस्ट के बारे में भी बताने वाला हूँ। जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि प्रोफेशनल मॉनर्स भी दुनिया में मौजूद हैं, वैसे ही प्रोफेशनल्स गेस्ट भी दुनिया में मौजूद हैं। दरअसल इनका काम ये होता है कि ये लोगों की शादी ब्याह बर्थडे इंगेजमेंट में जाते हैं, और दोस्तों ये बात सुन के आप हैरान होंगे, ये ऐसे सेलिब्रेट करते हैं कि आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये प्रोफेशनल गेस्ट हैं या इनके सगे रिश्तेदार हैं। इसकी भी बाकायदा दुनिया में एजेंसीज काम करती हैं, क्योंकि जिन लोगों को इनकी जरूरत होती है वो एजेंसी से रब्ता करते हैं और वो इनके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसके बदले वो काफी भारी पैसे भी चार्ज करते हैं, और ये बिजनेस दुनिया में अब काफी मशहूर होता जा रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। शुक्रिया।